यस डॉक्टर। मैडम आपका काम हो गया। ओके थैंक यू, कनेक्ट करो। विराट इस बार तुझे टॉप करना ही है, उसके लिए चाहे तुझे जो भी करना पड़े, जितना पढ़ना पड़े तू करेगा। पापा जिंदगी में पढ़ाई के सिवा भी बहुत कुछ होता है। अरे यार रुको, कर दिया आपने। अब मेरे उम्र के बच्चों को देखिए, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, चिल करते हैं, और आपने आपने तो मेरी जिंदगी जेल बना दी है। चुप, मेरे से ज्यादा फिल्मी बातें मत करना। तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, तुझे क्या लगता है सिर्फ पास होना ही काफी है? आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर फील्ड में ज्यादा से ज्यादा परसेंटेजेस देखी जाती है, इसलिए तुझे टॉप करना पड़ेगा। और टॉपर ऐसे नहीं बन जाते, इसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए चुपचाप यही रूम में बैठकर पढ़, इस कमरे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। तेरी मम्मी खाना भी तुझे यही भेज देगी, समझ गया? ये ले पढ़। विराट खाना खा ले, और कुछ चाहिए हो तो बता देना, ठीक है? ये लंबी रात होने वाली है, हमें रात भर विराट के मूवमेंट पर नजर रखनी होगी। हे शिव जी, ऐसी बहू देने से तो अच्छा था एक साथ ही 2-3 किलो दही दे देते, एक साथ खाते ही हमारा मन खट्टा हो जाता ना। हमारे गरीब बेचारे भोले मालूम लगे तो भाई। पुष्पा जी उठिए उठिए। जय हिंद मैडम सर। आप घर जाकर आराम करिए, जाइए। नहीं नहीं हम हैं। मैडम सर दरवाजा खोलने की आवाज आई है। क्या जैन? मैडम सर करिश्मा सिंह कहाँ है आप? वहीं जहाँ आपने हमें होने के लिए कहा था वहीं खड़े हैं। ठीक है, अभी अभी हमें दरवाजा खुलने की आवाज आई है, हो सकता है विराट घर के बाहर निकला हो। आप प्लीज चेक कीजिए कि वो कहाँ जा रहा है। नहीं नहीं मैडम सर, गेट बंद है, यहाँ से कोई नहीं भागा है। हो सकता है कि वो खिड़की से कूद कर गया हो। वो आवाज खिड़की की भी हो सकती है, आप पीछे की साइड से चेक करिए कहाँ है। जी कुछ नहीं, हम उसके पीछे ही हैं मैडम सर। ओके मजबूर कर दिया था। हर बार एग्जाम्स में मैं टॉप करता था, लेकिन इस बार विराट ने टॉप कर लिया। इसकी एक गलती की वजह से मेरे पेरेंट्स अब मेरा जीना हराम कर देंगे, कि वो मेरे पढ़ाई पे लाखों रुपए जो खर्च कर रहे हैं। मेरे टॉप ना करने का कारण ये विराट है, इसलिए मैंने इसे मार दिया। अरे सिम, अरेस्ट कीजिए रमन को जल्दी। यस मैडम सर।
इससे पहले कि वो यहाँ से भाग जाए, बंदी बना लो इसे। देखिए माफ कीजिए निर्मल जी, हम विराट को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम रमन को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। सजा इसे नहीं, सजा इसके पेरेंट्स को मिलनी चाहिए। इसके हाथों तो सिर्फ गन है, चलाई इसके पेरेंट्स ने, उन्होंने इसके मन में इतना खौफ डाल दिया कि टॉप नाने पर इसने मेरे बेटे की जान ले ली। उनको अरेस्ट करना चाहिए, दे आर द रियल क्रिमिनल्स। अच्छा तो उस हिसाब से तो हमें सबसे पहले आपको अरेस्ट करना चाहिए। क्या मतलब? आपने भी तो विराट पर इतना प्रेशर डाल के रखा था ना कि टॉप के अलावा और कुछ नहीं चलेगा। मैडम आप ठीक कह रही हैं, ये सब इनकी वजह से ही हुआ है। मेरा बच्चा। विराट उठ जाओ। विराट तू ठीक है ना बेटा? विराट बिल्कुल ठीक है, ये सब हमने एक छोटा सा नाटक किया था आपकी आंखें खोलने के लिए। नाटक? और एक बात बताएं आपको, रमन को विराट ने ही किडनैप किया था। रमन हमेशा अपनी क्लास में टॉप करता है और आपने विराट पर प्रेशर बनाकर रखा था कि उसे टॉप करना है, इसलिए उसने रमन को किडनैप कर लिया ताकि वो टॉप ना कर सके, और ये सब उसने आपके प्रेशर की वजह से किया है। बच्चा पैदा होते ही आप उन्हें क्या रेस का घोड़ा समझने लगते हैं, जो उन्हें रेस पे उतार देते हैं और हंटर लेके उनके पीछे भागते कि रेस में सबसे आगे रहना है। और इसी प्रेशर की वजह से हर साल न जाने कितने बच्चे सुसाइड करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके बेटे ने खुद आज सुसाइड करने के बारे में सोचा था? आज रमन ने तो उसे नहीं मारा, लेकिन आप ये सोचिए कल को आपके टॉप करने की जिद उसे मार देगी तो? बेटा मुझे माफ कर दे बेटा। तू टॉप रहे या ना रहे, बस मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे हमेशा। रमन इतने बड़े हादसे के बाद भी आपने हमारी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम पहले तो मुझे आपका प्लान बहुत अजीब लग रहा था, है? लेकिन विराट और उसके पापा को देखते ही मुझे लगता है कि आप इस शहर के बेस्ट पुलिस ऑफिसर हो। नहीं नहीं, ये सिर्फ हमने नहीं किया, ये हमारी पूरी टीम की जीत है। एक बात बताओ रमन, विराट ने जो तुम्हें किडनैप किया था, क्या तुम्हें लगता है कि उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए? नहीं मैडम, ये बेचारा तो बिना जुर्म के ही बहुत सजा भुगत चुका है। थैंक यू बेटा। नहीं आंटी, अगर मैं इसके जगह होता तो मैं भी सेम ही करता। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।